बिल्कुल भाई, कभी आपको बताएं ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को कराची की मलीर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अदालत में पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की तबीयत खराब, पुलिस इन्हें नीम बेहोशी की हालत में कोर्ट रूम लेकर पहुंची। कारकुनान हलीम आदिल शेख को उठाकर कमरा अदालत में लाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, क्या हुआ अदालत में? ये एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस की जानिब से हलीम आदिल शेख को मलीर कोर्ट की अदालत में पेश किया गया। पेश के दौरान पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि जब हलीम आदिल शेख को पेश किया गया तो उनकी बेहोशी की हालत में कारकुनान ने उन्हें अपने कंधों पे उठाकर कमरे अदालत में पहुंचाया। जब समाज शुरू हुई तो हलीम आदिल शेख का कमरे अदालत में बयान रिकॉर्ड किया गया, जिस हलीम आदिल शेख का कहना था कि उन्हें जेल के B91 वार्ड में रखा गया दहशत गर्दों के लिए मुख्त है, जबकि उनका ये भी कहना था उनकी टांग में पस पड़ चुका है, इलाज नहीं कराया जा रहा, ना ही उन्हें खाने को दिया गया, जबकि रात भर उन्हें नींद से जगाकर वीडियो फिल्म भी दिखाई जाती है। जबकि तफ्तीश अफसर का ये कहना था कि उनके खिलाफ 25 एकड़ अराजी का कब्जे का केस है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि उनसे तफ्तीश की जा सके। जबकि तफ्तीशर का ये भी कहना था कि उन्हें तफ्तीश के हवाले से नोटिस जारी किए लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट टूलीर की अदालत ने वकला के दलाइल होने के बाद जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इम्कान यही है कि उससे कुछ देर बाद मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जुनेद शाह आपका।